हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल घर की रसोई एंड टिप्स एंड ब्लॉग में। तो आज हम बनाएंगे राजस्थान का प्रसिद्ध ढाबा स्टाइल नमकीन सेव की सब्ज़ी। जब घर में कोई सब्ज़ी ना हो फ्रेंड, तो आप इस सब्ज़ी को एकदम आसान तरीके से बना सकते हैं घर के मसालों से, एकदम ढाबा स्टाइल। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। अगर चैनल में नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमकीन सेव की सब्ज़ी बनाने के लिए हम 10-15 कली लहसुन लिए हैं, एक टुकड़ा अदरक का लिए हैं, दो बड़े साइज़ का टमाटर को मोटे मोटे टुकड़े में काट लिए हैं। सबको एक साथ हम ग्राइंड करेंगे, हम अलग से कोई मसाला नहीं तैयार करेंगे, एक ही साथ एकदम सिंपल आसान तरीके से हम सेव की सब्ज़ी बनाकर तैयार करेंगे, एकदम डिलीशियस बनकर तैयार होगा। तो चलिए थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लेते हैं। टमाटर, अदरक, लहसुन सबको बारीक पीस लिए हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड। तो नमकीन सेव की सब्ज़ी बनाने के लिए हम इस तरीके से मोटे वाले सेव लिए हैं, एक कटोरी सेव लिए हैं। तो चलिए सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। इधर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए थे। कढ़ाई गर्म होने के बाद 1 टेबल स्पून सरसों तेल डालेंगे। सरसों तेल में सब्ज़ी अच्छे बनते हैं, आप चाहे कोई भी तेल में बना सकते हैं। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने के बाद 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरा को अच्छी तरह से चटकने देंगे। फ़ौरन में 2 लाल मिर्ची डाल देंगे, तो 1 मिनट तक पका लेंगे। जीरा और लाल मिर्ची को 1 मिनट तक पका लिए हैं, तो अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। 2 बड़े साइज़ का प्याज डाले हैं। प्याज को अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे। प्याज जब तक पक रहा है, तब तक हम इधर मसाला का तैयारी कर लेते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मसाला को घोल लेंगे इस तरीके से। इससे क्या होगा कि मसाला पकाते समय जलेंगे नहीं और सब्ज़ी स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा, सब्ज़ी में कलर भी अच्छे आएंगे फ्रेंड, पहले से इस तरीके से मसाला तैयार कर लेने से। तो प्याज को चलाते हुए 1 से 2 मिनट हो गया है, प्याज का कलर चेंज होने लग गया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड। तो प्याज अच्छी तरह से भून गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसमें पीसे हुए टमाटर, अदरक, लहसुन को डाल देंगे। इसको भी चलाते हुए 2-3 मिनट तक पकाएंगे। 2-3 मिनट हो गया है, तो अभी हम इसमें मसाले को डाल देंगे, साथ साथ स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। थोड़ा सा 1-2 चम्मच के करीब पानी डाल देंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे मसाले अच्छी तरह से पकेंगे, जलेंगे नहीं, हल्का सा पानी डाल देने से। ढककर मसाले को 4 से 5 मिनट पकाएंगे। इधर हम 4 से 5 चम्मच ताज़ी फ्रेश दही लेंगे। दही से एकदम गाढ़ा ग्रेवी वाला सब्ज़ी बनकर तैयार होगा, एकदम क्रीमी टेक्सचर में टेस्टी, एकदम ढाबा स्टाइल सेव नमकीन की सब्ज़ी तैयार होगा। तो इसमें हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालकर मिला दिए हैं, अच्छी तरह से फेंट लिए हैं। इससे क्या होता है कि दही फटने की चांसेस नहीं रहता है मसाले में, दही के साथ मसाले डालने से दही फटते नहीं हैं। तो चलिए अब हम दही को डाल लेते हैं मसाले में। 1-2 चम्मच के करीब पानी डाल देंगे, जो दही लगा हुआ है बर्तन में, तो अच्छी तरह से चला लेंगे। ढककर 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे,
जब तक कि साइड से तेल ना छोड़े मसाला। तो वाओ, आप देख सकते हैं फ्रेंड, मसाला कितने अच्छे से पक गए हैं, साइड से तेल छोड़ने लग गया है मसाला। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा। हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। तो अच्छी तरह से मसाले को मिला लेंगे, ढक कर एक उबाल आने तक पकाएंगे ग्रेवी को। ग्रेवी में एक उबाल आ गया है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे ग्रेवी में कलर आया है। तो अब हम इसमें नमकीन सेव को डाल देंगे। डालने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे, ढक कर 1 मिनट तक पकाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि ये सेव जल्दी पक जाता है फ्रेंड। तो 1 मिनट तक पका लिए हैं, आप देख सकते हैं ग्रेवी गाढ़ा होने लग गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और ढक कर रेस्ट के लिए रख देंगे। आप चाहे तो इसमें धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, फ़िलहाल मेरे पास धनिया पत्ता नहीं था इसलिए हम नहीं डाले हैं। तो 1 से 2 मिनट हो गया है सब्ज़ी को रेस्ट किए हुए। वाओ, आप देख सकते हैं फ्रेंड कितना डिलीशियस लुक आया है हमारे ढाबा स्टाइल नमकीन सेव की सब्ज़ी में। तो चलिए गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। वाओ, कितना अच्छा कलर आया है, आप देख सकते हैं। ये सब्ज़ी रोटी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड। तो जब कभी आपके घर में कोई सब्ज़ी ना हो हरा सब्ज़ी, तो आप इस तरीके से इस सब्ज़ी को बना सकते हैं। झटपट ये 5 से 7 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे कलर आया है इसका। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड कि आपको ये ढाबा स्टाइल राजस्थानी सेव नमकीन की सब्ज़ी पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।